सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के निजी हितों को ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों में जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले टू फिंगर टेस्ट पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि टू फिंगर टेस्ट एक महिला को दोबारा उस तकलीफ से गुजरने पर मजबूर करता है जिससे वो पहले जूझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि दुष्कर्म की पुष्टि के लिए इस तरीके के टेस्ट पर पूरे तरीके से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इस तरीके का टेस्ट करता है तो उसे गलत व्यवहार का दोषी माना जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो एक गाइडलाइन जारी करे जिसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि दुष्कर्म पीड़िताओं के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए। बेंच ने कहा, कोर्ट ये बार बार कह चुका है कि दुष्कर्म और यौन शोषण के मामलों में टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल बंद करें। इस कथित टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये असल में पीड़िता को दोबारा उस टेस्ट और उस ट्रॉमा से गुजरने पर मजबूर करता है। ये टेस्ट बंद करें। ये टेस्ट एक गलत अवधारणा पर आधारित है कि एक सेक्सुअली एक्टिव महिला का दुष्कर्म नहीं हो सकता है। बेंच ने आगे कहा, एक महिला जो आरोप लगा रही है उसे उसके शारीरिक संबंधों की हिस्ट्री के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। ये पेट्रियार्कल और सेक्सिस्ट है कि जब एक महिला दुष्कर्म का आरोप लगाए तो उस पर यकीन न किया जाए इस आधार पर कि वो सेक्सुअली एक्टिव है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला झारखंड के एक मामले में सामने आया है। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के एक दोषी को इस आधार पर बरी कर दिया था कि दुष्कर्म पीड़िता सेक्सुअली एक्टिव थी। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में ही इस टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया था। तब कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को दुष्कर्म पीड़िता की नीचता का हनन बताते हुए कहा था कि इस टेस्ट की वजह से पीड़िता महिला को बार बार शारीरिक और मानसिक दर्द से गुजरना पड़ता है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी साफ तौर पर कहा था कि अगर टेस्ट में ये साबित हो जाता है कि एक महिला यौन संबंध बनाती रही है तो इससे ये सिद्ध नहीं हो सकता कि वो संबंध उसकी सहमति से बने हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर टू फिंगर टेस्ट क्या होता है। तो आपको बता दें, जब कोई महिला किसी शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाती है तो उससे टू फिंगर टेस्ट यानी वजाइनल टेस्ट से गुजरना होता है। इस टेस्ट के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को एक किट भी दी जाती है। इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि महिला के वजाइना में चोट और जबरदस्ती के कोई निशान तो नहीं है। इसके साथ ही स्वैप टेस्ट भी किया जाता है। मेडिकल भाषा में टू फिंगर टेस्ट नाम का कोई भी टेस्ट नहीं है, लेकिन कई जगहों पर वजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान टू फिंगर टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट का मकसद ये पता लगाना होता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 Digital।